यार दोस्तों, आप सभी को वेल्दी विथ मल्टीबैगर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को मैं आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल एनालिसिस दिखाने जा रहा हूँ। ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मार्केट लीडर आईटी सेक्टर की कंपनी है। अभी देखिए इसके वेबसाइट पर चलते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी किस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ये बहुत ही पुरानी कंपनी, आप देखिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है कंपनी साइबर सिक्योरिटी इन सब की तरफ, कंपनी जो है बहुत सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी है कंपनी का, गवर्नेंस बहुत अच्छा है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे देखिए, थोड़ा नज़र डालिए। कंपनी जो है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में है, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग में है, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज है, इंडस्ट्रियल वर्टिकल में है, आईटी जो आईटी कौन सी सर्विस है, डिजिटल फाउंडेशन वाली सर्विस बिजनेस करती है, डिजिटल बिजनेस है, डिजिटल ऑपरेशन का है, इकोसिस्टम में स्ट्रैटेजी अलायंस है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इंडस्ट्री इकोसिस्टम है। देखिए प्रोडक्ट कौन कौन से इसके, एसक्यूएल सॉफ्टवेयर की है, एक्टिव आपको बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर और बहुत सारे इसके अलग अलग जो है सर्विसेज कंपनी देती है। अभी देखिए यहाँ पर चलते हैं हम इसके कंपनी के यहाँ पर और डिटेल्स को पढ़ते हैं। स्किल जो है वो लीडिंग आईटी कंपनी इंडिया की जो मोस्ट रैंक है टॉप 5 कंपनी में आती है। और इसका जो है सो 1999 में इसका आईपीओ आया था, तब से कंपनी ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इसके पास आरएनडी जो है वो सर्विसेज सेंटर भी है, बीपीओ भी चलाती है और पूरे 846 कंट्री में इसके जो है अलग अलग सर्विसेज चलते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी, मार्केट कैप देखिए 3 लाख करोड़ का है, 3,47,000 करोड़ का है। अब देखिए इसका करंट प्राइस 1265 का है, हाई प्राइस 1378 है, लो प्राइस 890 है, पी जो है 29 का है, बुक वैल्यू देखिए 224 रुपये है, मात्र 224 रुपये का बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड देखिए 1.47 है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखिए 25 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19 है। तो बहुत अच्छी बात है, ये मार्केट लीडर है, अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड है। फेस वैल्यू देखिए जस्ट 2 है, 2 फेस वैल्यू पे काम कर रही है। पेग रेशियो देखिए ये हाई बता रहा है, पेग रेशियो जब आपका पॉजिटिव में आ जाए, 2 पर चला जाए तो ये हाई हो जाता है। अब देखिए इक्विटी कैपिटल कितना ज़्यादा इक्विटी है मार्केट में, देखिए बहुत ज़्यादा इक्विटी फ्लोट कर रहा है। ये देखिए करंट रेशियो 2.7 है, जो बताता है कि इसका जो करंट एसेट है ये इतना ज़्यादा टाइम्स ज़्यादा है इसके करंट लाइबिलिटी से। इसका देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू है 5.66, मतलब 5 गुना ज़्यादा चल रहा है ये अपने बुक वैल्यू से। ग्रोथ फैक्टर देखिए 2 है, जो कि पायोट्रॉस की 8 बता रहा है। इसी प्रकार देखिए इसका डेट टू प्रॉफिट कुछ नहीं है, अल्टीमेट स्कोर 12 है। अब ये देखिए कितना नेगेटिव बता रहा है, ये डिफरेंस इज आई भी नेगेटिव बताने का अर्थ है कि ये अपने एक्चुअल इंट्रेंसिक वैल्यू से बहुत ऊपर चल रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी देखिए 271 है, जबकि 10 साल पहले 275 था। तो इसका देखिए इस प्रकार ये अपने अपनी इक्विटी कैपिटल को है वो बढ़ाती घटाती रहती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका इसका जो मैक्सिमम चार्ट आप देखिए किस प्रकार जो है कंपनी ने गजब का एक रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। अब देखिए किसी ने अगर यहाँ पर इन्वेस्ट किया था 83 रुपीज़ में, अभी तो वो अरबपति बन गया होगा, खरबपति मल्टीबैगर बन चुका होगा। बहुत अच्छी बात है, ये कंपनी बहुत अच्छा है। देखिए प्रोस क्या है, कंपनी ने अपने कर्ज को हटाया है, ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त कंपनी है, डिविडेंड पे करती है, 10 साल से इसका ग्रोथ बहुत अच्छा 20% का है और कॉन्स तो कुछ है ही नहीं। कंपनी का वही बिजनेस है जो TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, L&T इन्फोटेक है, माइंडट्री है, सेम बिजनेस करती है। अब देखिए इसके सेल्स को देखिए आप किस प्रकार का जो है कंपनी का सेल्स ग्रो कर रहा है। 2018 में 15,000 करोड़ की हुआ करती थी कंपनी, जो अभी 20,000 करोड़ की हो गई है। और देखिए किस प्रकार कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है 22%, 15%, 10%, 12% हर क्वार्टर बाय क्वार्टर जो है कंपनी ग्रो कर रही है। बहुत अच्छी बात है, एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन ने कभी कंपनी ने अपने मार्जिन पे कभी भी चैलेंज नहीं किया है। देखिए 23% का मार्जिन मेंटेन करती थी, जो अभी भी 24% पे चल रहा है। अब देखिए इसके इंटरेस्ट जो है वो कंपनी जो बहुत हल्का सा इंटरेस्ट पे कर रही है। अदर इनकम देखिए इसका हर साल हर क्वार्टर में अदर इनकम भी इम्प्रूव हो रहा है। इसी प्रकार देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट 2600 करोड़ से बढ़कर अभी 3200 करोड़ आ चुका है। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ था लॉकडाउन में। और देखिए इस प्रकार इसके जो अगर 10 साल का आप देखेंगे सेल्स को किस प्रकार 12,000 करोड़ की कंपनी अभी 76,000-80,000 करोड़ पे चली गई है। बहुत ही गजब का मतलब ग्रोथ हुआ है कंपनी। ऑपरेटिंग मार्जिन पहले 16% का देती थी, लेकिन अभी बढ़ा के 25% पर कर लिए, एक अच्छी बात है। देखिए इंटरेस्ट भी किस प्रकार कंपनी ने अपना कम थोड़ा बहुत बढ़ाया है पिछले कुछ क्वार्टर में, लेकिन वो ज़्यादा कंसर्न नहीं है।
आईटी कंपनी में इनका रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए नेट प्रॉफिट 1200 करोड़ की नेट प्रॉफिट करने वाली 2010 में अभी सीधे 12,000 करोड़ पे आ गई, कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा। अब देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए, 5 साल का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 19% है, प्रॉफिट ग्रोथ 14% है, CAGR 26% है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 5 साल का 24% है। अब देखिए यहाँ पर सबसे एक छोटा सा जो कंसर्न क्या है कि कंपनी अपनी इक्विटी कैपिटल को रिड्यूस करती है, डाइल्यूट करती है। आईटी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न यही है कि ये अपनी इक्विटी कैपिटल को जो है वो डाइल्यूट कर रही है। रिजर्व भी देखिए इस प्रकार रिजर्व बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए ज़्यादा इक्विटी कैपिटल का उसमें ज़्यादा असर नहीं हुआ। अब देखिए रिजर्व जो है वो 6,000 करोड़ का रिजर्व बढ़ के सीधे 60,000 करोड़ पर जा चुका है, सीधे 10 गुना बढ़ गया पिछले 10 साल में, गजब का एकदम रिटर्न हुआ है। थोड़ा बहुत बोरिंग भी अभी आगे बढ़ गया है, कहाँ 500 करोड़ का बोरिंग हुआ करता था, अभी सीधे बढ़ के 6,000 पे है, 8,000 से 6,000 पे कम हुआ है थोड़ा। अब इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट भी कंपनी जो है 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, अभी बढ़ के 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ा लिया है। अब यहाँ पर देखिए तो इसका और एक देखिए खास बात, इन्वेंट्री जो है कंपनी के पास है, ट्रेड रिसीवेबल देखिए 14,000 करोड़ इन्हें रिसीव करना है पैसे मार्केट से, अभी कैश इनके पास 8,000 करोड़ का कैश है, लोन एंड वार गजब की कंपनी है जिसको हम बोलते हैं अल्टीमेट ड्रीम कंपनी है। और ये देखिए नेट कैश फ्लो देखिए कितना अच्छा मेंटेन कर रही है कंपनी, डेटर डेज जो है इम्प्रूव हो रहा है, कैश कन्वर्जन साइकिल भी देखिए अच्छे तरीके से इम्प्रूव, वर्किंग कैपिटल भी थोड़ा बहुत 52 दिन पर चला गया है। अब देखिए प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, वाओ, प्रमोटर का होल्डिंग थोड़ा सा रिड्यूस हुआ था दिसंबर 2019 में 59% पे, अभी फिर से बढ़ा के 60% पे, 60.33% का इंटैक्ट प्रमोटर होल्डिंग है, कभी रिड्यूस नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत FII जो है कम करती जा रही है, उसी के सामने DII बढ़ाती जा रही है, गवर्नमेंट के पास का होल्डिंग है, पब्लिक के पास इंटैक्ट थोड़ा बहुत होल्डिंग है, लेकिन पब्लिक भी अपना पोजिशन बढ़ा रही है। तो कहने का मतलब एक बहुत अच्छी कंपनी है। तो आशा करता हूँ ये आपके लिए अच्छा वीडियो हो, अपने सलाहकार से बात करने के बाद ही